और सब भक्तजनों, आसपास के भक्तजन वगैरह सब विशाल मात्रा के अंदर पधारे। ये प्रथम बार ऐसा पुष्कर में कार्यक्रम हुआ है और हम चाहेंगे कि प्रतिवर्ष इसी भांति विशाल महाआरती का कार्यक्रम हो और सभी लोग नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ऋषिकेश की तर्ज पर पुष्कर के घाटों पर हुई महाआरती और दीपदान नव संवत्सर समारोह समिति की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुआ नव वर्ष का स्वागत। नव संवत्सर के उपलक्ष्य में शनिवार को नव संवत्सर समारोह समिति की ओर से ऋषिकेश की तर्ज पर पुष्कर के घाटों पर महाआरती और दीपदान के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के तहत शनिवार सुबह 8 से 9 बजे तक वराहघाट, रामधाम, ब्रह्म चौक, अम्बेडकर सर्किल, कपालेश्वर मंदिर सहित मुख्य चौराहों पर आमजन के तिलक लगाकर मिश्री व तुलसी का प्रसाद वितरण कर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। वहीं शाम 7 बजे बद्रीघाट से झूलेलाल घाट तक दीपदान व पवित्र सरोवर की महाआरती की गई। इस दौरान ऋषिकेश की तर्ज पर 7 पंडितों द्वारा महाआरती की गई। कस्बे के चित्रकूट धाम के उपासक संत पाठक महाराज सहित साधु संतों ने दुग्धाभिषेक और आरती में भाग लिया। सरोवर के 52 घाटों पर रंगोली बनाकर दीपदान किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष रामनिवास वशिष्ठ, कार्यक्रम संयोजक विष्णु शर्मा, सदस्य बालकिशन पाराशर, नंदकिशोर पाराशर, जयकुमार पाराशर, अजय पाराशर, नेहरू पंडित, कैलाश रेनबो, पुष्कर नारायण भाटी, कृष्ण गोपाल वशिष्ठ, राजेंद्र महावत, मोहित पाराशर सहित कई लोग मौजूद रहे। सृष्टि की रचना का प्रथम दिन है जिसको हम इस भारत माता को मानो ये संसार की उत्पत्ति का पहला दिन है, तो उसको नववर्ष के रूप में हम मनाने के लिए पूरे पुष्कर से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सुबह से ही कार्यक्रम शुरू थे। विभिन्न चौराहों पे सब कार्यकर्ता लग के दीपक, वो मोली, कुकू और तिलक लगा के और मिश्री और अपने नीम की कपोल का प्रसाद चढ़ाया और सबको वितरित किया, दूसरा और शुभकामनाएं दी। शाम को जो है ये उत्तराखंड की तर्ज पे अपन जैसे ऋषिकेश में होती है आरती, उसी की तर्ज पे हमने आरती का आयोजन किया और अपने भारत माता का पूजन किया। भारत माता के पूजन के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नववर्ष के उपलक्ष्य में पुष्कर में प्रथम बार इस भव्य मात्रा में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें 7 पुत्रों द्वारा महाआरती करके और पुष्पांजलि करके और सब भक्तजनों, आसपास के भक्तजन वगैरह सब विशाल मात्रा के अंदर पधारे। ये प्रथम बार ऐसा पुष्कर में कार्यक्रम हुआ है और हम चाहेंगे कि प्रतिवर्ष इसी भांति विशाल महाआरती का कार्यक्रम हो और सभी लोग नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाए। इस 2079 के प्रथम दिन आज हम सब लोग प्रातः काल से ही पुष्कर में सब जगह सबका तिलक कर रहे थे और सबका आगमन का उनका आभार व्यक्त कर रहे थे। इसके अलावा आज शाम को विशेष आरती घाट पर रखी गई, बद्री घाट पर, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और नववर्ष मंगलमय हो इसकी कामना पुष्कर राज से ब्रह्मा जी से हम सब ने की।